हेलो गाइस, सो आज हम बात करने वाले जो लिंडर के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम उनकी यूट्यूब प्रोफाइल चेक करते हैं तो उसमें उनके फॉलोअर्स है 3,40,000, जो कि ओके है क्योंकि हमारे भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। बट अगर आप उनका इंस्टाग्राम चेक करोगे वहाँ पर उनके फॉलोअर्स है 4.3 मिलियन, यानी कि 43 लैक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने एक रिसेंटली वीडियो भी डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था बिहाइंड द सीन्स इन इंडिया, जिसमें हमने देखा कि वो काई ग्रीन के साथ कुछ स्टंट परफॉर्म कर रहे थे और हो सकता है कि वो हमारी किसी इंडियन मूवी में एक साइड रोल में देखने को मिले। सो इतनी ज़्यादा उनकी वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है। देखो कुछ तो स्पेशल होगा ना, वो जो स्पेशल चीज़ है वो है एलियन गेंस। आपने सही सुना, एलियन गेंस। अगर आप उनकी वीडियोज़ देखोगे तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी वायरल हुए हैं। जिस तरीके से वो अपने फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जितनी रैपिड स्पीड में कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने लायक है। मतलब मैं शौक हो गया था ये चीज़ देख के, और आप भी शायद शौक हो गए हो, क्योंकि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। बट सिर्फ वो ही नहीं, एक और ऐसे बॉडी बिल्डर है जो कि सेम चीज़ कर सकते हैं, उनका नाम है उज़ोमा। अब ये जो बंदा है ये सिर्फ अपने चेस्ट की नहीं, या अपने बैक की भी और अपने लेग्स पे भी सेम चीज़ कर सकता है। अगर आप इनकी वीडियो देख रहे हो अभी तो इसमें ये देख रहे हो कि आप ये अपने हाथ को ना थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन बार बार लेकर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यार, ये उज़ोमा अगर सेम चीज़ कर सकता है तो ये जो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि जो उज़ोमा है वो कभी अपने कंपटीशन के लिए अपना वेट गेन करते हैं, जिसमें उनकी बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है ऑफ कोर्स, और बाद में वो वापस अपने रिप स्टेज में आ जाते हैं, बट वो पूरा साल उस स्टेज में नहीं रहते। बट अगर हम बात करें जो के बारे में, तो आप उन्हें किसी भी टाइम देख लीजिए, वो सालों साल इसी शेप में आपको मिलने वाले, जिसमें उनकी फैट परसेंटेज 5 से 7 के आसपास होती है, जो कि बहुत टफ है उसको सस्टेन करना। अब उसको सस्टेन करने के लिए या तो आपके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा कुछ नेक्स्ट लेवल होने चाहिए, या फिर आप एक्स्ट्रा जूसअप होने चाहिए। तो क्वेश्चन अगला यही आता है कि यार, ये जो बंदा है अगर 5 से 7% पे रह रहा है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, हमारा एसेंशियल फैट होता है 2 से 5%, तो हमारी बॉडी उसके अगर आसपास भी रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक रहता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम चैलेंज रहते हैं, हमें ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती है, इंजरी हो सकती है। बट ये बंदा कैसे मेंटेन कर पा रहा है? तो वही सवाल आता है कि यार, ये बंदा नेचुरल है या फिर जूसअप है? वेल, इसके लिए इन्होंने अपनी स्टोरी बता रखी है कि जब ये क्लब में काम करते थे 18 साल पे, इन्हें कुछ लोग मिले, कुछ जो जिम वगैरह ज़्यादा करते थे और उनकी अच्छी फिजिक थी, उन्होंने इन्हें बताया कि यार, आप भी अच्छी फिजिक बना सकते हो तो आपको डायनाबोल लेनी चाहिए। तो फिर जो ने अपनी डायनाबोल स्टार्ट की, जिससे कि काफ़ी जल्दी वेट गेन हो जाता है, थोड़ा मसल भी बढ़ जाती है, पर डायनाबोल से इनको इतना कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो अब ये ज़्यादा क्यूरियस थे कि यार, मुझे कुछ और दो, मुझे जल्दी से फिजिक बनानी है। सामने वाले प्रो थे, उन्होंने कहा कि आप टेस्टोस्टेरोन और ट्रेन साथ में चला लीजिए, जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और वो भी एक बिगिनर के लिए। तो इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की, थोड़ा सा रिजल्ट दिखने लगे, बट इनको फिर निप्पल पे पेन होना शुरू हो गया, जो ऑलमोस्ट इन्हें 8 महीने तक रहा। वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आपको यहाँ पे पेन हो रहा, जस्ट इमेजिन, और आप उस चीज़ को 8 महीने तक सस्टेन कर रहे हो, दैट इज़ फकिंग क्रेजी। क्यों कर रहे हो? क्योंकि इन्हें उस टाइम पे बफ होना था, जूसअप होना था। वेल, वो चीज़ गलत थी, इन्हें वो रियलाइज़ हुई उसके बाद, जब ये फिर वापस डॉक्टर के पास गए, फिर इनका हार्मोनल इम्बेलेंस ख़राब था, वो चीज़ें वापस ठीक हुई, इन्होंने अपने ऊपर काम किया। तो इन शॉर्ट, इन्होंने फिर बाद में दोबारा से ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। सो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ये टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, इन्होंने क्लियरली बता रखा है, और ये काफ़ी छोटे अमाउंट में लेते हैं, काफ़ी स्मॉल डोसेज है इनका। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो इनकी बॉडी फैट परसेंटेज है 5 से 7 के आसपास, क्या ये मेंटेन हो सकती है कि काफ़ी कम डोसेज में? वेल, ये चीज़ तो यही बता सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग इतना ज़्यादा ले रहे हैं जितना आर्नोल्ड अपनी पीक पे लेता था। तो आजकल तो इन लोगों ने मजाक बना रखा ड्रग्स को, तो ये क्वेश्चन सिर्फ यही आंसर कर सकते हैं। बट आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या ये आपको बफ लग रहे हैं या फिर ये नेचुरल लग रहे हैं। सो इसके साथ ही अगला हमारा टॉपिक आता है, बट उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं रिसेंट वीडियोज़ ला रहा हूँ। कमेंट्स में आप बता सकते हो जिन चीज़ों के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो। पर हमारी वीडियो का ये पर्पज़ जानना नहीं है कि यार, ये बंदा नेचुरल है या फिर ये जूसअप है, उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। सिंपल सी बात है, ये बंदा काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आई मीन, मैं जानता हूँ कि यार, बंदे की ह्यूज फॉलोइंग है तो हेटर्स तो मिले गई, बट ऐसा नहीं है।
जिस चीज पे क्रिटिसाइज होते हैं वो है एक्सरसाइज। आई मीन अगर बंदा फिटनेस मॉडल है, आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि यार जैसी फिजिक बनानी है तो ये बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा होगा वो हमें भी करनी चाहिए नहीं, यही हमारी वीडियो का टॉपिक है। चलो फिर हम ऐसा नहीं है कि इनकी कोई ऐसी वीडियो उठा के हम इन्हें गलत प्रूव कर रहे हैं, इनके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेक करते हैं। सो आप स्टार्टिंग में देखोगे इन्होंने जो रिसेंटली वीडियो अपलोड कर रखी है वो है क्वाड्रिसेप्स डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो दिस इज टोटली बुलशिट। अगर ये पता नहीं कौन सी निंजा टेक्निक बता रहे जिसमें कि शायद आपकी नीट टूट सकती है, क्वाड्रिसेप्स की डेवलपमेंट तो छोड़ दो, यहाँ पे नीट टूटने का खतरा 101% है। अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अगर आपको लेग्स की डेवलपमेंट करनी है तो लेग्स की डेवलपमेंट के लिए पहली बात तो आपको हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करने पड़ेंगे, ऑफकोर्स टेस्टोस्टेरोन। तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बट टेस्टोस्टेरोन के लिए दो चीज़ें होती है, या तो आप हैवी इंटेंसिटी कर रहे हो 85-95% ऑफ 1 RM, जिसमें कि आप 2-6 रेपिटेशन करते हो तो आपका इतना वेट आप उठा रहे हो, या फिर आप 10 RM करते हो, 10 रेपिटेशन करते हो, 1 मिनट का रेस्ट लेते हो। तो इन सारी चीज़ों से आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है जिसकी वजह से मसल ग्रोथ होती है। तो आपको हैवी इंटेंसिटी करनी पड़ेगी, ज़्यादा मोटर यूनिट रिक्रूट करने पड़ेंगे, जब भी टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होगा तभी मसल ग्रोथ होगी। पर अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो तो फिर शायद इतना करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मे भी हो सकता है इनका वो केस है। बट अगर आपको बनानी है लेग्स तो आपको फिर इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि क्वाड्रिसेप की डेवलपमेंट के लिए आप ये जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसा मत करना। क्वाड्रिसेप डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन होती है कि आप फ्रंट स्क्वाट्स कीजिए। फ्रंट स्क्वाट के दौरान जो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी आगे की तरफ शिफ्ट रहती है, जिसकी वजह से कोर्स पे सबसे ज़्यादा असर आता है, तो उससे सबसे ज़्यादा आपकी कोर्स की डेवलपमेंट होगी। इसके साथ ही आप लेग एक्सटेंशन कर सकते हो जिसमें कि फुल रेंज ऑफ मोशन भी मिल जाता है। जिस तरीके से ये फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव कर रहे हैं वो मत कीजिएगा, क्योंकि चोट लगेगी। इसके बाद अगर आप ये सारी एक्सरसाइज कर भी रहे हो लेग्स की, तो आप प्रेफर कीजिए फ्री वेट से कीजिए, स्मिथ मशीन को प्रेफर मत कीजिए। अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो फ्री वेट पे आपको ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो एक्सरसाइज तो हमने देख लिया, ये सारी ही गलत कर रहे हो ऑलमोस्ट, बट हम एक बार इनका ओपिनियन जान लेते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, और ये क्यों ऐसी चीजें शो कर रहे हैं। Push through all this, man. And like I said, I try to inspire and motivate people and not try to educate or sell you something. तो अगर आप क्लियरली देख रहे हो, इन्होंने अभी यही बताया कि ये यहाँ पे फन करने आए। आप नेटफ्लिक्स भी तो देखते हो यार, मूवीज भी तो देखते हो, उसमें सिर्फ फन करने के लिए तो देखते हो, ये नहीं है ना कि आप कुछ सीख रहे हो उनसे, बट इनडायरेक्टली हम सीख रहे होते हैं। सिर्फ मेरे को प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं थी, अगर आप इनकी अब जाके वेबसाइट चेक करोगे तो वहाँ पे इन्होंने अपनी साइट बना रखी है जिसपे कि ये अपने न्यूट्रिशन और वर्कआउट के प्लान सेल कर रहे हैं। और वीडियो में इन्होंने बताया था कि मैं यहाँ पे कुछ सेल करने नहीं आया हूँ, ही इज जस्ट हेयर टू हैव फन। बट दाल में कुछ काला नहीं, अभी तो पूरी दाल ही काली है। आई मीन अगर किसी की इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है तो उसको यू नो एनकैश करना चाहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, प्लान्स भी करे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ ये एक्सरसाइज करना मत स्टार्ट कीजिए। अगर आप इनको देख के मोटिवेट हो रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो जिम जाने के लिए, तो प्लीज़ कीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरे पास, आई एम ए फिटनेस एजुकेटर, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और आजकल काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें एनाबोलिक कोर्सेज करने हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। सर हमें इनके जैसे फिजिक बनानी है, हम कुछ भी लेने को तैयार है, बट आप इनके जैसे फिजिक बनवा दीजिए। वेल, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो फिर आपको एंडोक्राइनोलॉजी की डिग्री चाहिए, जिसके लिए कम से कम 5 साल लग जाएंगे। तो प्लीज़ आप एनाबोलिक कोर्सेज, स्टीरोइड ड्रग्स, इनसे दूर रहिए अभी के लिए। मैं एक जनरल पॉपुलेशन आपको भी बता रहा हूँ, इससे कोई भला नहीं होने वाला। पहली बात तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, आपकी भी इमेज डाउन होएगी। दूसरा, अगर किसी को कोई दिक्कत हो गई तो आप प्लीज़ किसी की लाइफ के साथ मत खेलिए, अगर आपको उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो। अगर आपको रियली कुछ सीखना ही है यूट्यूब पे, तो काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि स्क्वाट यूनिवर्सिटी, जेरमी आइथर, जेफ निपर्ड, एथली नेक्स, आप इनके चैनल्स फॉलो कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा फिटनेस के बारे में। सो आज का हमारा यही टॉपिक था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट्स में बता देना मुझे अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हो। आज का टॉपिक थोड़ा हटके था, सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय।